मैं विक्रम सिंह और मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आज के लॉकडाउन के अंदर बच्चों की रिक्वायरमेंट है। वो है बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट टॉकिंग टेट, यानी कि इसमें बच्चा खेल खेल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है और खेल खेल के अंदर वो एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ से ले पाता है। तो ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसमें बच्चा खेल खेल के साथ में पढ़ाई कर सकता है तो वो अपन देखते हैं। तो इसमें 14 बुक्स आती है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, और सबसे बड़ी चीज इसमें टीचर साथ में आता है जिसको अपन टॉकिंग टेड कह सकते हैं, चार्जर और ये टॉकिंग टेड। इसमें क्या होता है, जैसे ही अपन थोड़ी देर यहाँ पर स्पेस देते हैं तो ये चालू हो जाता है, जैसे थोड़ी देर ये दबा के रखा, वेलकम टू सेफ शॉप, चालू हो गया, फिर इसको यहाँ पर रख लिया। उसके बाद में ये डीवीडी आती है जिसके अंदर पूरा 1 to 8 और 9 to 12 पूरा इसके अंदर मटेरियल रहता है। उसके बाद में 14 बुक्स आती है इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 14 बुक्स आती है, और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बच्चा अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है। और आपको तो ये सबसे पहले जैसे इसमें अपन देखते हैं बच्चा पढ़ने से पहले प्रार्थना से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जैसे ही अपन स्टार्ट पे दबाएंगे और जैसे ही ये यहाँ पर लिखा हुआ एक मालिक तेरे बंदे, ये प्रार्थना है, बच्चा पढ़ने से पहले प्रार्थना सुनेगा, इसके ऊपर टच करेगा। और उस तरीके से प्रार्थना खत्म होने के बाद में जब बच्चा पढ़ाई करना चाहेगा तो जैसे ये पहली बुक है इसको अपन देखते हैं, इसमें जैसे ही वापस यहाँ पे स्टार्ट पे टच करेंगे उसके बाद में बच्चा यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर बताई जाती है, जैसे अनार पे टच कर दिया, आ से अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है, आम पे टच कर दिया, आ से आम, आम एक रसीला फल है जो गर्मियों में पाया जाता है, पूरी डिटेल के साथ में स्टडी होती है। उसके बाद में जैसे पढ़ाई हो जाने के बाद में यहाँ पर टेस्ट, बच्चा खेल खेल में टेस्ट भी देता है, कैसे, यहाँ पर गेम पे टच किया, बच्चों आओ एक खेल खेलें, नीचे दिए गए स्वरों को सही चित्रों से मिलाओ, प्रश्न सुनने के लिए स्वरों को डॉल्फियों से छुओ, जैसे वो आप पे टच करेगा, आ से क्या है, जैसे अपन ने बच्चा गलत टच करेगा अंगूर पे दबाएगा, दोबारा खेलो, आ से ईंट पे लगाएगा, जैसे ईंट पे उसने लगा दिया, दोबारा खेलो, आ से अनार पे जैसे ही टच किया, सही उत्तर। तो इस तरीके से वो टेस्ट भी देगा और वापस यहाँ पर गेम को बंद कर देना है। लेट्स गेट बैक। यहाँ पर बच्चा बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखता है, कैसे, जैसे अपन यहाँ पर वापस स्टार पे टच करेंगे, सेफ शॉप प्रेजेंट्स लर्निंग इंग्लिश वॉल्यूम 1, और इसके अंदर जैसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर, आई एम डॉक्टर रश्मि सेठी, अब इसका हिंदी अर्थ क्या है दोबारा टच करो, सुप्रभात सर, मैं डॉक्टर रश्मि सेठी हूँ, अब इसको रिप्लाई क्या करना है, तो जैसे सेकंड पे दबाएंगे, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आई एम एडम गिल, अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है, सुप्रभात मैम, मैं एडम गिल हूँ। इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल खेल में बच्चा इंग्लिश पढ़ना, बात करना और एक जो एजुकेशन हाई क्वालिटी की प्राप्त कर लेता है। जैसे उन 14 बुक में से एक बुक ये भी है, इसमें देखो आप यहाँ पर जैसे बच्चा यहाँ पे हर चीज सीखेगा, यहाँ वहाँ पे टच किया स्टार्ट, सेफ शॉप प्रेजेंट्स वोकैबुलरी वॉल्यूम 1, अब बच्चा सीखेगा कि फैमिली के अंदर कौन कौन होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, मम्मी को क्या बोलते हैं, मदर, माय मदर हेल्प्स मी इन माय होमवर्क, फादर, जैसे यहाँ पे टच किया, थिंग्स टॉयज फॉर मी, पिताजी, मेरे पिता मेरे लिए खिलौने लाते हैं, अब बहन को क्या बोलते हैं, जैसे सिस्टर, आई प्ले विद माय सिस्टर, आई मी माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट। तो इस तरीके से पूरा फैमिली के बारे में, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि शरीर के किस अंग को क्या कहते हैं, नाक को क्या कहते हैं, नोज, जैसे कहीं पर भी पैर को क्या कहते हैं, फुट, और वापिस इस तरीके से पूरा कौन सा कलर कौन सा, इसमें
ये कलर कौन सा है? येलो बलून। अब वापिस गया, मैं अपन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स प्ले अ गेम। नाउ फाइंड पिंक बलून। अब जैसे ये पिंक बलून बोल रहा है तो यहाँ पे टच किया, सॉरी गलत। प्ले अगेन। नाउ गुड जॉब। फाइंड द येलो बलून। पिंक पे जब टच करेंगे तब वो बताएगा। अब जैसे येलो बलून है तो इस पे टच करेंगे, गलत बताएगा। जैसे यहाँ पर टच किया। नो, यू नीड टू रीथिंक। फाइंड द येलो बलून। जैसे येलो बलून पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने किया, गुड जॉब। नाउ फाइंड द ऑरेंज बलून। इस तरीके से बच्चा पूरी अपनी स्टडी यहाँ से कर सकता है। तो इस तरीके से 14 बुक आती है यहाँ पर, अलग अलग तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चा बहुत ही इंजॉय के साथ में पढ़ेगा यहाँ पे। अब जानवरों को समझने के लिए कौन कौन से जानवर कैसे होते हैं, जैसे बिल्ली कौन सी होती है, तो बिल्ली ऐसे आवाज निकालती है जैसे देखो, और गधा ऐसे आवाज निकालता है, हाथी ऐसे आवाज निकालता है, बकरी ऐसे आवाज निकालती है। तो कितना शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया है, रियली बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को, और काफी लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट है, जिसको आप अपने अभी लॉकडाउन के अंदर बच्चों तक पहुंचा सकते हो, और वो बड़ी खुशी के साथ में इसको पढ़ेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा पढ़ते टाइम। तो थैंक यू वेरी मच। ये अपना प्रोडक्ट था जो आपके जिसके बारे में आपको बताना चाहता था, और ये अवेलेबल है, आप मेरे से संपर्क करके ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you.